नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई का एंट्री वीज़ा। जी हाँ भाई, दुबई आप लोग जाते हैं, लगभग तो विजिट में जाते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जाते हैं एंट्री वीज़ा में। एक अच्छा प्रोफेशन है कि भाई लगभग तो वर्क परमिट लोग आप अगर मैन पावर ऑफिस से जाते हैं तो यहाँ से आप भेज देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी वीज़ा लगाते हैं। तो एंट्री वीज़ा होता क्या? 2 महीने का वीज़ा होता है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। उसमें क्या नुकसान होते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये आपको जानना ज़रूरी है, या कितना फाइन लगता है, पूरी डिटेल से हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दुबई का। जी हाँ भाई, वैसे वर्क परमिट वीजा, अगर आपका दुबई से वीजा आता है तो वो वर्क परमिट वीजा आता है, आपको भी ये लगता है कि वर्क परमिट वीजा है, लेकिन वो वीजा इंडिया से 2 महीने का वीजा होता है। यानी आप उस वीजा से जिस दिन दुबई में एंट्री कर गए, 2 महीने वो वीजा वैलिड रहेगा, उसको एंट्री वीजा बोलते हैं। हालांकि है वो वर्क परमिट वीजा ही, लेकिन वो एंट्री वीजा है। वहां जाने के बाद आपकी कंपनी, आपका स्पॉन्सर कोई भी हो, वो उस वीजा को कन्वर्ट करवाता है, तब आपके पासपोर्ट में जो स्टंप लगता है, स्टंप दो साल का लग जाता है, यानी आपका वीजा 2 साल का हो जाता है। अब यहां पे होता क्या है बता देता हूं कि बहुत सारे एजेंट हैं या फिर कंपनियां हैं जो वहां के आप लोकल लोग हैं, वो आपको एंट्री वीजा पे बुला लेते हैं, 2 साल का एंट्री वीजा। और एंट्री वीजा का मेरे हिसाब से 800-900 रुपए लगता होगा, 800-900 दिराम लगभग इतना ही लगता है, 100-200 ऊपर नीचे मान सकते हैं। 800-900 दिराम में वो आपको वर्क परमिट वीजा देके आपको बुला लेते हैं, आप भी उसको चेक करते हैं तो 2 साल का वैलिड वीजा बताता है। आपको ये लगता है कि यार वर्क परमिट वीजा आ गया, आप उसको पेमेंट कर देते हैं। हालांकि पेमेंट करना नहीं चाहिए, दुबई गल्फ देशों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वीजा का पैसा नहीं लगता है, कंपनियां भरती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से ले लेते हैं। अब आप कंपनी में चले गए, कंपनी आपको आपसे आप जॉब लग गए, आपका अग्रीमेंट हो गया, आप काम करते रहे, अब वो 2 महीने का वीज़ा 2 महीने तक ही वैलिड रहेगा। अब 2 महीने तक, हालांकि इसमें भी आप 2 महीने तक वहाँ काम नहीं कर सकते अगर तरीके से देखा जाए। इसमें होता क्या है कि 2 महीने का वो इसलिए होता है कि भाई कंपनी आपका प्रोसेस करा सके, आपका जो भी रिस्पॉन्सर हो आपका प्रोसेस करा सके, क्योंकि आप जाओगे 5-7 दिन के बाद में आपका मेडिकल होगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में आपका वीज़ा लगने के लिए जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा, इंश्योरेंस बनेगा, इमिडिएट आईडी बन के आएगी, इस तरह से वो 2 महीने का टाइम खत्म हो जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि आपका वीज़ा लग आ गए, आपको जॉब लग गए। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे छोटी कंपनियां होती हैं या फिर जिनके पास वीज़ा का पैसा नहीं होता, वो लोग आपका वीज़ा नहीं लगाते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ वीज़ा लग गया, कोई बात नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। फिर क्या होता है, ये 2 महीने का वीज़ा, वो एंट्री तो खत्म हो जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। आप समथिंग, मुझे पक्का फाइनल नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 दराम है, उसके बाद में पर डे 25 दराम, जी हाँ पर डे फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, वो आपके ऊपर लगता है, आपके वीज़ा के ऊपर। अब क्या होता है, कंपनियां कई बार, बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सअप आते हैं, सर 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही है। अब 8-9 महीने हो गए तो भाई वो फाइन बढ़ के कितना पैसा बन गया, आप सोचिए। अब वो पैसा कौन देगा? फिर कंपनियां नीत हरामी कर लेती हैं कि इससे जितना काम करवाएं, फिर इनको टिकट दे, इनका पैसा दे देंगे, पासपोर्ट दे देंगे, भाई तू जा, क्योंकि वो फिर उनको कितना महंगा पड़ता है, पूरा तो फाइन जमा कराएं, फिर वो आपके वीज़ा का पैसा जमा कराएं, तो 2-3-4 लाख रुपए पे आप उसके ऊपर पड़ जाते हो। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप इंडिया से वर्क परमिट वीजा जो लेके जाते हैं दुबई में, वो 2 साल तक वैलिड होता है, 2 महीने तक वैलिड होता है। 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपने पासपोर्ट में स्टिकर वीजा लगवा लेना है जिसकी वैलिडिटी 2 साल होती है, इमिरेट्स आईडी बन के आ जाती है। इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि फिर टाइम निकल गया ना, फिर वो फाइन पे फाइन बढ़ता जाता है, फिर कंपनियां नहीं लगाती हैं। बहुत सारे केसों में मैंने देखा है कि कंपनियां फिर आपका वीजा नहीं लगाती हैं। तो इसलिए ये एंट्री वीजा है, इस पे आपको खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि यार एंट्री वीजा आ गया 2 साल का, वो सिर्फ आपको दुबई पहुंचने के 2 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है जी, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे आप पहुंचे, अपना वीज़ा का प्रोसेस करिए, 2 साल का वीज़ा जल्दी से जल्दी पासपोर्ट में लगवा लें। बस ये अपडेट देना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।